यूपी के सुल्तानपुर में कांचीराम कॉलोनी में युवक की हत्या कर शव गटर में फेंके जाने के मामले में बवाल शुरू हो गया है। कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने डीएम दफ्तर में प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाया है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अमहट स्थित कांचीराम कॉलोनी से जुड़ा है, जहां के रहने वाले अमित की लाश कॉलोनी परिसर में स्थित सीवर में मिला। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शव का दह संस्कार करने के बाद मृतक अमित के परिजन और सैकड़ों लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पुलिस जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस दबाव बना रही है कि चौकी प्रभारी पैसा लेकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आक्रोशित लोगों का कहना था कि चौकी प्रभारी को निलंबित किया जाए। वहाँ बोले पैसा, इनसे बोले पैसा ले लो, मामला ही के ठंडा कर दो। पुलिस वाले बबलू जायसवाल। हमारा नाम पुष्पा है। क्या मामला है? मेरे लड़के खाना पीना खा के 11 बजे छत पे गया, उसको कहाँ ले गए कौन लोग, हमको लोग कुछ नहीं पता है। मार पीट के ला के पीछे के एक नाले में डाल दिया, हमारे घर के पीछे गटर में। सुबह कबाड़ी वाला आया देखने तो वो बताया, तो हम लोग सोते थे, उठ के गए उसको निकालने। पुलिस वालों की वो लोग सुनवाई नहीं किए, गया गया खटखनाने गया गाँव तो बुलाया गया और खोला नहीं। एक घंटे बाद आया पुलिस, जब हम लोग लाश निकाल के ले आए मुहारे पर, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है, देखने तक नहीं कोई आया भैया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं रहते हैं, 10 बजे के बाद नहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है वहाँ? सर ऐसा है, ये जो है हमारे कॉलोनी के हैं, हम 9 नंबर में रहते हैं, एक नंबर 75 नंबर में रहती हैं। इनका लड़का 11 बजे रात तक घर पे था, उसके बाद फोन से वो 12 बजे घर पे गया छत के ऊपर, उसके बाद खाना पीना खाया और अपना पता नहीं को बुलाया के नहीं बुलाया, कहाँ कैसे हुआ, और उसके बाद इनका लड़का मार के उसी पीछे गटर में। लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रुक जा पहले बता दा। लेकिन सर हमने अपने आँख से ये चीज देखा है, जो उसके लड़के के कपड़े पे लगा था वो चीज गटर में नहीं है, आप इंक्वायरी हो जाए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है शांत हो जाइए, कर रहे हैं लेकिन काने में तेल डाले बैठा। पूजा धुरिया के बेटवा इलेक्शन के पहले हैरान। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।